निर्जा भनोट। निर्जा भनोट का जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम हरीश भनोट और माता का नाम रमा भनोट था। उनके पिता मुंबई में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत थे। उनके भाई का नाम अनीस है। निर्जा बहुत संवेदनशील, बहुत सौहार्दपूर्ण और सभ्य थी, जो लोगों के साथ खुशियां बांटने में यकीन रखती थी। वो अपने उसूलों की पक्की थी और उनके साथ कोई समझौता उसे मंजूर नहीं था। निर्जा की प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ के सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी हुई। इसके बाद उनकी शिक्षा मुंबई के क्रोटी स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई। निर्जा का विवाह वर्ष 1985 में संपन्न हुआ और वो पति के साथ खाड़ी देश को चली गई। लेकिन कुछ दिनों बाद दहेज के दबाव को लेकर इनके रिश्ते में खटास आ गई और विवाह के 2 महीने बाद ही निर्जा वापस मुंबई आ गई। इसके बाद उन्होंने पेन एम में विमान परिचारिका की नौकरी के लिए आवेदन किया और चुने जाने के बाद मियामी में ट्रेनिंग लेने के बाद वापस लौटी। बचपन से ही निर्जा भनोट को वायुयान में बैठने और आकाश में उड़ने की प्रबल इच्छा थी। निर्जा ने अपनी इच्छा एयरलाइंस पेन एम ज्वाइन करके पूरी की। 16 जनवरी 1986 को निर्जा को आकाश छूने वाली इच्छा को वास्तव में पंख लग गए थे। निर्जा पेन एम एयरलाइन में बतौर एयर होस्टेस का काम करने लगी। 5 सितंबर 1986 की वो घड़ी आ गई थी जब निर्जा के जीवन की असली परीक्षा की बारी थी। पेन एम 73 विमान कराची पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर अपने पायलट का इंतजार कर रहा था। विमान में लगभग 400 यात्री बैठे हुए थे। अचानक 4 आतंकवादियों ने पूरे विमान को गन स्वाइट पर ले लिया। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाया कि वो जल्द ही विमान में पायलट को भेजे, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब आतंकियों ने निर्जा और उसकी सहयोगियों को बुलाया कि वो सभी यात्रियों के पासपोर्ट इकट्ठे करे ताकि वो किसी अमेरिकन नागरिक को मारकर पाकिस्तान पर दबाव बना सके। निर्जा ने सभी यात्रियों के पासपोर्ट एकत्रित किए और विमान में बैठे 5 अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छुपाकर बाकी सभी आतंकियों को सौंप दिए। उसके बाद आतंकियों ने एक ब्रिटिश को विमान के गेट पर लाकर पाकिस्तानी सरकार को धमकी दी कि यदि पायलट को नहीं भेजा गया तो वो उसको मार देंगे। लेकिन निर्जा ने उस आतंकी से बात करके उस ब्रिटिश नागरिक को भी बचा लिया। धीरे धीरे 16 घंटे बीत गए। पाकिस्तान सरकार और आतंकियों के बीच बात का कोई नतीजा नहीं निकला। अचानक निर्जा को ध्यान आया कि विमान में ईंधन किसी भी समय समाप्त हो सकता है और उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। जल्दी ही उन्होंने अपनी एसोसिएट्स के यात्रियों को खाना बांटने के लिए कहा और साथ ही विमान के आपातकालीन द्वार के बारे में समझाने वाला कार्ड भी देने को कहा। निर्जा को पता लग चुका था कि आतंकवादी सभी यात्रियों को मारने चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले खाने के पैकेट आतंकियों को ही दिए, क्योंकि उनका सोचना था कि भूख से पेट भरने के बाद शायद वो शांत दिमाग से बात करें। इसी बीच सभी यात्रियों ने आपातकालीन द्वारा की पहचान कर ली। निर्जा भनोट ने जैसा सोचा था वही हुआ। विमान का ईंधन समाप्त हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। निर्जा तो इसी समय का इंतजार कर रही थी। तुरंत उन्होंने विमान के सारे आपातकालीन द्वार खोल दिए। योजना के अनुरूप ही सारी यात्री तुरंत उन द्वारों से नीचे कूदने लगे और आतंकियों ने भी अंधेरे में फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन निर्जा ने अपने साहस से लगभग सभी यात्रियों को बचा लिया था। कुछ घायल अवश्य हो गए थे, लेकिन ठीक थे। अब विमान से भागने की बारी निर्जा की थी, किंतु तभी उन्हें बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दी। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के कमांडो भी विमान में आ चुके थे। उन्होंने 3 आतंकियों को मार गिराया। उधर निर्जा उन 3 बच्चों को खोज चुकी थी और उन्हें लेकर विमान के आपातकालीन द्वार की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक बचा हुआ 4था आतंकवादी उनके सामने आ खड़ा हुआ। निर्जा ने बच्चों को आपातकालीन द्वार की ओर धकेल दिया और खुद उस आतंकी से भिड़ गई।
आतंकी ने कई गोलियां उनके सीने में उतार डाली। निजा ने अपना बलिदान दे दिया। उस चौथे आतंकी को भी पाकिस्तानी कमांडो ने मार गिराया, लेकिन वो निर्जा को ना बचा सके। निर्जा वनोट के बलिदान के बाद भारत सरकार ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान अशोक चक्र प्रदान किया। पाकिस्तान की सरकार ने भी निर्जा को तमगा ये इंसानियत प्रदान किया। निर्जा वास्तव में स्वतंत्र भारत की एक महानतम वीरांगना थी। 2004 में निर्जा वनोट के सम्मान में डाक टिकट भी जारी हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्जा का नाम हीरोइन ऑफ हाईजेक के तौर पर मशहूर है। 2005 में अमेरिका ने उन्हें जस्टिस ऑफ क्राइम अवार्ड दिया। निर्जा की स्मृति में मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक चौराहे का नामकरण किया गया है, जिसका उद्घाटन 90 के दशक में हिंदी फिल्मों के ख्याति प्राप्त अभिनेता अमिताभ बच्चन ने किया। इसके अलावा उनकी स्मृति में एक संस्था निर्जा भनोट पेन एम न्यास की स्थापना भी हुई है, जो उनके वीरता को स्मरण करते हुए महिलाओं के अदम्य साहस और वीरता हेतु पुरस्कृत करती है। उनके परिजनों द्वारा स्थापित यह संस्था प्रतिवर्ष 2 पुरस्कार प्रदान करती है, जिसमें से एक विमान कर्मचारियों को वैश्विक स्तर पर प्रदान किया जाता है और दूसरा भारत में महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और संघर्ष के लिए दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार की धनराशि 1,50,000 रुपए है और इसके साथ पुरस्कृत महिलाओं को एक ट्रॉफी और स्मृति पत्र दिया जाता है। महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध हुई राजस्थान की दलित महिला वंबीरबाई को भी ये पुरस्कार दिया गया था। निर्जा वनर्ड 5 सितंबर 1986 के पैन एम उड़ान 73 के अपहृत विमान में यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करते हुए आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी। ऐसी बहादुर भारत की बेटी को हमारी तरफ से सत सत नमन है।